हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जैकपॉट नंबर 2। आप लोगों के लिए जैकपॉट सीरीज का सेकंड जैकपॉट। क्या है ये सेकंड जैकपॉट? एक ऐसा कंसेप्ट जिसके मैक्सिमम चांस है आप लोगों से नीट का एग्जाम हो या जेडब्ल्यू का फिजिक्स का एग्जाम हो, क्वेश्चंस पूछे जाने के। ठीक है, आइए, क्या है इसमें आपको क्या बताना है अभी? टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट्स। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, मेरे पास एक पेंडुलम है, एम मास की पेंडुलम है, और ये क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, टक 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 टक, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन। तो हम कहते हैं, बताइए इस एल लेंथ की पेंडुलम और एम मास की पेंडुलम के लिए बताओ टाइम पीरियड कितना हो? कितना होता है भाई? 2 पाई अंडर द रूट एल बाई में जी। ठीक है, अब मैं ऐसे ही आप लोगों को बोल दूं कि मेरे पास एक मैग्नेट है और वो मैग्नेट क्या कर रही है भाई? ऑसिलेट कर रही है ऐसे। ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रही है वर्टिकली ऐसे। ठीक है, नहीं 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 नहीं, और वो मैग्नेट कैसे ऑसिलेट कर रही है? ऐसे। देख लो, एक मैग्नेट है भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पूरी सेल्सी सेल्सी ये वाले मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट क्या कर रही है? ऑसिलेट। जैसे मान लो ऐसे पकड़ रखा मैंने, टिंग निंग निंग टिंग निंग निंग, ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे कर रही है। ठीक है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना आप लोगों को, यही क्या है क्वेश्चन। अब भाई पहले सीधी सीधी बात बता देता हूं मैं, एक मैग्नेट है वो ऑसिलेट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड होता है, देखो 2 पाई ऐसा कैसा अंडर द रूट, ये याद रखने वाली बात है। मैं इसके लिए आपको बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आई बाई में एम बी या बी एम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, याद रखे, फॉर एग्जाम्पल क्या याद रखने तरीका भाई, सीधा सा, मैं बीएम सर को फॉलो करता हूं, सिंपल, ब्रिजेश महेश्वरी सर, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा भाई। तो सीधी सी बात, आई बीएम, और क्या कर सकते हो? आई एम बी। ठीक है, मेरी एम बी, मेरी एम बी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड सिंपली दोबारा बता देता हूं मैं आपको भाई, 2 पाई अंडर द रूट आई बाई में एम बी। ठीक है, कितनी एम बी बची हुई है आपकी? मेरी कितनी एम बी बची हुई है? ऐसे समझ के याद कर सकते हो, यहां मैं बी एम सर को फॉलो कर रहा हूं भाई, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, 12 मैग्नेट का हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड। आ जाओ भैया, तो आई क्या है यहां पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ एम ई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दिस मैग्नेट, जो मैग्नेट को आप ऑसिलेट करवा के इसका टाइम पीरियड निकालना आपको। ठीक है, व्हाट इज एम? एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, ये लो भाई। ठीक है, व्हाट इज बी? बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में जो हम मैग्नेट है इसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, कहां करवा रहे हैं? अर्थ के ऊपर करवा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जब हम अर्थ के अलोंग, इस अर्थ के ऊपर इस मैग्नेट को क्या करवा रहे हैं भाई? ऑसिलेट करवा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली मैग्नेट को ऑसिलेट करवाते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन को लेके। ठीक है, जहां मैग्नेट की हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, देखो बताता हूं इसकी कहानी, जिसमें हम स्पेसिस लेके चलते हैं बी को इक्वल टू बी एच। व्हाट इज बी एच? दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस। जहां आप मैग्नेट को ऑसिलेट करवा रहे हो वहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड इज बी एच, जो हम यहां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात गाइस। इस वीडियो में 15 मिनट्स तक आप लोगों को जो मेन कंसेप्ट है टाइम पीरियड का वो बता दिया गया है, उसके बाद मैंने टाइम पीरियड को डिराइव करके दिखा रखा है। ठीक है, तो भाई जिसे डेरिवेशन भी देखना है ताकि कंसेप्ट अच्छे से आपको याद रहे, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और अप टू 15 मिनट्स तक मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो अच्छे से वीडियो देखिए और कंसेप्ट को याद रखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। टाइम पीरियड आप लोगों का 2 पाई अंडर आई बाई में बीएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्वेश्चन में दे दे, मैग्नेटिक फील्ड दे दे, मैग्नेटिक मोमेंट दे दे, तो आप लोग टाइम पीरियड आसानी से निकाल देंगे।
ठीक है, बट आप लोगों को टेस्ट करके देते हैं क्वेश्चन, इतना आसान देते कि याद रख लो IBM भी मेरी एम भी भाई। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेंगे आप लोगों से, गौर से देखिएगा, ये वाली मैग्नेट इसको लटका दिया यहाँ पे, तो आपका टाइम पीरियड बताओ कहां पे कैसे पता करते हैं। ये सुनिए, एक्चुअली में क्या करनी होती है, वाइब्रेशनल या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक ऐसा मैग्नेटोमीटर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल कॉइल हमने पहले से लगा रखी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं मैग्नेट को रख देते हैं, ठीक है। अब जो आपकी कॉइल होती है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देती है, फॉर एग्जाम्पल भाई अंदर ये वाला कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैं कह दूं या मैं कुछ भी इस्तेमाल करूं भाई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, बी एच कह दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आप बाहर से कोई मैंने वाली मैग्नेट मैंने इस डायरेक्शन में रख दी, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, मैंने ऐसे रख दी, अब आप भाई शैतानी बच्चे आप क्या करेंगे, अपना खुरापाती दिमाग लगा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे भाई आके इस मैग्नेट को छेड़ेंगे, छेड़ेंगे आप इसको हिला देंगे, चाहे इस तरफ से छेड़ दो चाहे इस तरफ से छेड़ दो, क्या होगा परिणाम स्वरूप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में लगा रखा है और मैग्नेट को स्टेबल कर रखा है, आप इसे क्या कर देंगे अनस्टेबल, इस तरीके से ऐसे छेड़ देंगे, देखो थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी। अब आप ऐसे छेड़ देंगे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा इस मैग्नेट को, कि वापस अपनी जगह पे आ जा, अभी वापस अपनी जगह पे आएगी तो इसको इस ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, अब खींचेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे मीन पोजिशन पे आएगी ये मैग्नेट फील्ड आगे तरफ चली जाएगी, आगे तरफ जाकर फिर वापस ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खींचेगा वापस, तो इस तरीके से मैग्नेट क्या करेगी भी आगे पीछे क्या करने लग जाएगी, ओसिलेशन करने लग जाएगी, ठीक है, समझ पाए आप, और इन्हीं इसी ऑसिलेशन का वो क्या निकालना होता है टाइम पीरियड इस एक मैग्नेट के, ठीक है। आपने इस मैग्नेट को मैंने यहां पे छोड़ा था और मैंने मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे उस प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ बीएच लगा के छोड़ रखा है, एक्सटर्नल फील्ड जो दे रखा है वही, ठीक है, जनरली ये उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ वर्क करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमें ये टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो बताना ही होता है, ठीक है, या आपको एक्सटर्नली जो भी मैग्नेटिक फील्ड दे दे और किसी एंगल में थीटा वगैरह दे के मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का दे दे, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ लेना है, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ बराबर होता है मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू में कोस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा होता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, समझ पा रहे, और देख लो भाई ये वाली बात पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बस समझो, देखो हम क्या करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, ठीक है, जैसे मान लो इस तरफ नॉर्थ है इस तरफ क्या है साउथ, ठीक है, तो जो मैग्नेट होती है नॉर्थ साउथ ये तो होती है जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ जो हम कह देते हैं, एक्चुअल में जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ एक्चुअल मैग्नेटिक पोल नहीं होते, जो मैग्नेट होते हैं इनसे थोड़े से एंगल पे ठहरती है, जब हम एक मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली लटकाते हैं तो ऐसे ठहरती है, तो ये एंगल बनाती है, समझ रहे हो आप, क्या बनाती है भाई एक एंगल किसके साथ, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के साथ, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, फाई से लिखते हैं, ठीक है। अब उस प्लेस पे इस मैग्नेटिक मेरिडियन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो ये अभी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नीचे की तरफ होता है फॉर एग्जांपल, और यहां पे इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये वाला जो एंगल नीचे की तरफ थीटा बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप, एक डिप सर्कल लेके आइए उसको रख दीजिए तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होती है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी, जितने एंगल पे झुक जाएगी इसे कहते हैं एंगल ऑफ व्हाट डिप, डिप एंगल, ठीक है। तीन कंपोनेंट होते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, जो जो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बताते हैं, किसी भी पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी देते हैं, तीन कंपोनेंट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है देखो ये नेट मैग्नेटिक कितना बोल दिया बी, तो इसके अलोंग ये वाला जो थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर मैं बी को क्या कर दूं मैं जोड़ कर दूं तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज बी एच, अलोंग थीटा जोड़ करो कितना आ गया बी कोस थीटा, परपेंडिकुलर जोड़ करोगे तो भाई बी साइन थीटा, सिंपल आपको ये क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, दिस इज एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अब जब भी आपको बी एच दे तो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कोस ऑफ थीटा लगा के निकाल लेंगे, थीटा क्या है एंगल ऑफ डिप, ठीक है ओके। अब आप यहां पे तो टाइम पीरियड आप निकाल लेंगे 2 पाई अंडर द रूट IBM IMB जो आपका मन करे, ठीक है हो गया। अब बताओ मुझे सबसे पहले आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, एक मैग्नेट को आपने सेंटर से लटका रखा है, एक प्रकार से ये रोड का काम करेगी जिसकी जो भी लाइन मान लो एल लेंथ दे रखी हो, तो मैग्नेटिक इनर्शिया कितना था भी मैग्नेट का, हा 1/12 एम इंटू एल का स्क्वायर, ध्यान रखना जहां पे एम क्या है स्मॉल एम ले लेता हूं मैं, ये है मास ऑफ दिस मैग्नेट, ये क्या है मास ऑफ मैग्नेट, इनटू में एल क्या है लेंथ ऑफ मैग्नेट पूरी का स्क्वायर, आ गया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे आप, इससे पहला जो जैकपॉट है उसमें मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो देख सकते हैं। अब भाई यहां आपको सीख दे देंगे
ठीक है, बी क्या है वो जनरल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लगा रखा वही डन, निकाल दो टाइम पीरियड आ गया भाई, मैं वैल्यू फिर क्यों निकाल देगा। अब यहां पे क्या हो सकता है, आप लोगों से टाइम, आप लोगों टाइम पीरियड दे देंगे, आप लोगों से इसकी वैल्यू पूछ लेंगे, तो क्या करेंगे आप लोग सीधी सी बात, टी टू पाई इधर जाना है, ये वाले निकालोगे या फिर उसका स्केयर कर देंगे, स्केयर रूट है कट जाएगा आपका, आई और एम भी मल्टीप्लाई करके निकाल देना। ऐसे ही भाई आई पूछ सकते हैं, एम पूछ सकते हैं, टी पूछ सकते हैं, चार वेरिएबल्स हैं, चारों को पूछ सकते हैं, चार प्रकार के क्वेश्चन बन गए। ठीक, अब ये तो आप लोगों से पूछते हैं, खास क्या बात पूछते हैं, देखिए ये मैग्नेट बोला इसकी मैग्नेटिक मोमेंट दे दी मैंने एम टू, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट दे दी मैंने एम वन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इन दोनों मैग्नेट्स को लगा रखा है भाई हॉरिजॉन्टल कंप बी एच मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, यही कहानी यहां पे इस मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट की रखी है M1, ये सेम ही मैग्नेट है बस प्रोटेक्ट है, यहां पे साउथ नॉर्थ सेम डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के दोनों की सेम, यहां पे ऊपर वाली को कट दिया मैंने, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है भाई M2। ठीक है, हम क्या करते हैं दो मैग्नेट्स को देख लो, एक बार दो मैग्नेट्स हमारे पास, वीडियो हमारी चल रही है और टाइम हो गया है वीडियो का 30 मिनट्स, देखिए ये दो मैग्नेट है, ठीक है, दो बार मैग्नेट है मेरे पास, क्या किया दोनों मैग्नेट को सेम डायरेक्शन में रख दिया, मतलब नॉर्थ पोल सेम साइन, देख लो सिटवेज, आपको बताना है, अब मैं इन दोनों को यहां से बांध देता हूं, इस वीडियो में क्या करता हूं ऑसिलेट करवाता हूं, टाइम पीरियड बताना है, बताओ क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या भाई, टी वन बोल दो इसको टू पाई अंडर द रूट आई बाई में एम बी, अब आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का निकाल दो भाई, समझ रहे हो, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई वन, इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू, सिंपल दोनों इनर्शिया जुड़ जाएंगे सेम पॉइंट पे, समझ रहे हो, इनर्शिया कैसे निकालो दोनों को जोड़ देना, इसका इनर्शिया आई वन प्लस आई टू, इसी एक्सिस के लोग सेम एक्सिस के लोग निकाल रहे हैं दोनों जुड़ जाएगा इनर्शिया, नेट इनर्शिया कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू, सिंपल, यानी आप समझ सकते हैं यहां पर क्या होगा आई नेट, यहां पर एम क्या होगा नेट, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई में, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों की भी एम नेट, देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या करें साउथ से कहां होती है डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, साउथ से कहां नॉर्थ की तरफ, दोनों डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर भी क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे एम वन प्लस एम टू, तो एम नेट कितना आ गया एम वन प्लस एम टू, पता है कि नहीं, ठीक है, इनटू में क्या भी बी जिस मैग्नेटिक फील्ड में एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में पार्क किए, ठीक है ओके, इनकी बात करें तो भाई अगेन टाइम पीरियड क्या निकालना है, टी टू बोल दूं मैं, टी टू मान लो अगर मैं इसी मैग्नेट को पलट के रख दूं टाइम पीरियड क्या होगा, टी टू कैसे, जब ये वाली है देखना गौर से देखना ये वाली है ऐसे रख दिया, अगर इसको पलटू तो भाई साहब दोनों तरफ से चिपक रही है भाई, ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये भी चिपक रही है ऐसे, वही तो इस तरफ से चिपक रही है, ये क्या कर लूंगी भाई, ठीक है पलटी मार के देखते, देखो अब क्या होगा एक्चुअल में क्या होगा, पलट दो उसको, ये देखिए बिल्कुल ढीला छोड़ रखा, ये पलटी मार के चिपकेगी, गौर से देखिए मैग्नेट्स को, अपोजिट डायरेक्शन दिया तो मैंने एक दूसरे को क्या करी कैंसिल, समझ रहे हैं, डोमेन से डायरेक्शन में नहीं आ रही है पलटी मारे, देखो अपोजिट बोल आए आप, समझ रहे हो, तो क्या जब मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा तो क्या करेंगे दूसरे में पहले कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे कैंसल, जो ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें से कम होने घटा दो, अगर पलटी मारे तो एम वन ये एम टू, बताओ एम नेट कितनी होगी एम वन माइनस में एम टू, इस तरफ साउथ से नॉर्थ ये अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या करते हैं दूसरे को कैंसल, तो यहां से एम नेट क्या होगा टाइम पीरियड निकालना कितना, अब खास बात यहां पर क्या आती है, टू पाई अंडर द रूट इनर्शिया नहीं घटेंगे, आपने अगेन इनको दोनों क्या कर रखा है बांध रखा है, यहां से मोमेंटम इनर्शिया दोनों का आएगा, इसका इनर्शिया दोनों के यहां ऐड हो जाएंगे, ये माइनस नहीं होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन्हीं को माइनस कर देते हैं, नहीं करते हैं भाग में क्या भाई एम नेट कितनी एम वन माइनस में एम टू, जैसे ही आपने प्लट के रखा इतनी होगी इनटू में भी, ठीक है, क्या करते हैं दो तरीके से आप क्वेश्चन देते हैं, पहला ये क्या भी? इसे कहते हैं आप सम कॉम्बिनेशन, अगर आप इनको सेम डायरेक्शन में जोड़ देते हैं, ठीक है एडिशन करना होता है, ये सम सेम डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में एडिशन होगा, ठीक है ये आपका क्या होता है एडिशन, जब आपकी मैग्नेट मोमेंट क्या होती है एडिशन ऐड हो जाती है, ठीक है तो ये एडिशन मेथड बोलते हैं इसको, कि मैग्नेट्स क्या होगी ऐड हो गई, ठीक है अब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या आपका डिफरेंस मेथड, ठीक है यानी सर आप मैग्नेटिक मोमेंट्स को डिफरेंस के हिसाब से रख दें और ये सम के हिसाब से रख दें, दो प्रकार के एडिशन देखने को मिलते हैं यहां पे, ठीक है एक आपका सम के बेस पे और एक आपका डिफरेंस के बेस पे, या आपको बोलने की मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, या आप इनको सब्सट्रैक्शन मेथड बोले या एक एडिशन मेथड बोले, ठीक है लिखते हैं बुकों में एडिशन मेथड सब्सट्रैक्शन मेथड डिफरेंस मेथड कैलकुलेशन के, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है बट बाय चांस कहीं बेटर आ जाए, ठीक है बाय एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन तब आप ध्यान रखिए, ठीक है ऐड हो गया मतलब दोनों की जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों के पोल नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ सेम डायरेक्शन में, ये क्या है अपोजिट, ठीक है आ जाओ भी, तो टाइम पीरियड टी वन इसका कितना हो गया टी टू, टू पाई आई वन प्लस आई टू एम वन प्लस एम टू इंटू बी, टू पाई आई वन आई टू एम वन माइनस एम टू इंटू बी,
ठीक है। अब आप लोगों से क्या करते हैं, रेशियो पूछते हैं T1 by T2 का, बताओ क्या होगा भाई T1 by T2 का रेशियो, यही क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताया, कितना होगा T1 by T2, बोलो कितना भाई, 2π से 2π क्या हो गया कैंसल, आई वाला से आई क्या हो गया कैंसल, अमर बी से भी क्या हो गया कैंसल, क्या बचा जो टाइम पीरियड है क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कर दो T1 अंडर रूट क्या T2 केस में, जो दूसरे मेथड क्या M1 माइनस M2, T1 केस में M1 प्लस M2। लेकिन मैं तो यहीं से बता देता हूं इसको पहले से पॉइंट से, क्या टाइम पीरियड 2π अंडर रूट आई बाई बी के बराबर होता है, अगर इन दोनों को यहां से जोड़ रखा है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सेम है, इसको कांस्टेंट मानता बी क्या है कांस्टेंट, टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अंडर रूट M के, ठीक है। अब M से टाइम पीरियड जो है M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T1 का एक मैग्नेट दूंगा के लिए टाइम पीरियड बाय दूसरी मैग्नेट T2, उसका टाइम पीरियड कितना है T2, मान लो मैं इस एक मैग्नेट को क्या कर दूं भाई ऑसिलेट करवाऊं, टाइम पीरियड देखो इसका T1 है, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है इसकी M1, इसका कितना है T2, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है M2, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा अंडर द रूट व्हाट M2 / M1 बोला है कि नहीं, इसमें से अगर मैं M2 / M1 का रेशियो निकालने के लिए बोलूं मतलब क्या कर दो स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इस तरह क्या हो जाएगा स्क्वायर T1 का स्क्वायर / T2 का स्क्वायर, ये काली बार बार पूछते हैं, अब दो मैंने जोड़ दी तो क्या हो जाएगा भाई T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बताइए, दूसरे केस में क्या करनी थी M1 माइनस M2 बाई में M1 प्लस M2, सिंपल रेखानी का भाई है जब I और B क्या है सेम। अब ऐसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले मेथड्स में वाले तरीकों में क्या होगा, आपका M नेट या B का डिफरेंस लेंगे, आपका M और B आपके क्या होंगे वेरिएबल होंगे, I इनर्शियल क्या रहेगा सेम रहेगा, समझ रहे हो, क्या करो B और M पे फोकस करो, तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है B और M, समझ रहे हो। मान लो मैं कह दूं ये मैग्नेट है, देखो भाई पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से यहां पे फाइंड करके, दूसरा ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए जो कि इस कॉमन रिजल्ट से आए हैं आपको, ठीक है। कई बार आपको क्या देते भाई दो मैग्नेट्स है, सॉरी एक ही मैग्नेट है, एक बार मैं इसको दिल्ली में रख रहा हूं, एक बार मैं इसको मुंबई में रख रहा हूं, ठीक है, बताइए टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, ऐसे पूछ लिया आप लोगों से, क्या करना है अब की बार क्या करना है अभी बी के कुछ नहीं T1 / T2, अगर M और I सेम है तो B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या करेंगे B2 / B1, सिंपल। अब ये B2 और B1 का केस क्या होता है, ये किसी अलग अलग जगह अगर आपको देते हैं तो क्या पूछेंगे भाई हॉरिजॉन्टल कंपेयर्ड टू अर्थ हिसाब से पूछेंगे आपसे, BHE होता है एक्चुअल में, समझ रहे हो कि BHE वर्क करेगा ना किसी प्लेस पे, वही तो मैग्नेट को अटैक करेगा, वर्टिकल वाले के तो केस में कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा काम, समझ पा रहे हो, ओनली हॉरिजॉन्टल ही है जो फोर्स लगाएगा, वर्टिकल वाला जो फोर्स ही नहीं लगाएगा, ये लैंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होता है नेगेटिव हो जाता है, समझ पा रहे हो फोर्स नहीं लगाएगा वो, तो T1 / में क्या भी T2 / B2 / में क्या हो जाएगा P1। अब खास बात यहां पे फिर आ जाती है, क्या पहले क्या करूं B2 / B1 को निकाल लो, उससे पहले इसका स्क्वायर करवा लेते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब B2 के लिए क्या होगा एक प्लेस में B2 * में cos थीटा 1 हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट मैग्नेटिक फील्ड B2 हो तो B1 कितना आ जाएगा, सॉरी उस प्लेस पे B की नेट वैल्यू B2 / B1 ले रखा था ना मैंने इसको B2 / B1, अब B2 क्या है वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ यानी B2H cos थीटा ऐसे बोलते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 है तो B2 cos थीटा हो जाएगा, दोबारा देखिए मैंने बोला दिल्ली में है, दिल्ली में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है BD, तो B2 वैल्यू कितनी हो जाएगी BD cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ आ गया, मुंबई में है तो BM cos थीटा, ये आप 2 मान लो थीटा 2 थीटा 1, यही चीज B2 / B1 आपको इस फॉर्मेट में निकालनी पड़ सकती है। अब ये बता देता हूं मैं, ये मान लो BD दोनों ले लिया दिल्ली में है और वर्क कौन सा करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो BD cos थीटा कितना, थीटा दिल्ली में क्या अलग एंगल बनेगा और मुंबई में क्या बनेगा अलग एंगल बनेगा भाई, ठीक है, तो BD cos थीटा 2 BM cos थीटा 1, अब देखेगा थीटा 1 थीटा 2 क्या है, समझ रहे हो, अब अगर BD और BM भी सेम हो तो थीटा 1 थीटा 2 का रेशियो पूछ लेंगे भाई, बताओ दोनों जगह पे डी एंगल का रेशियो बताओ थीटा 2 / थीटा 1, तो टाइम पीरियड से आपके ये न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं भाई, सीधी भाषा में बता रहा हूं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से अब की बात, और देखिए एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आई / MB, ठीक है, दैट्स ऑल, ये काम है, ओके भाई, एक मैग्नेट के लिए पूछ सकते हैं अलग अलग जगह पे, दो मैग्नेट्स को अलग अलग तरीके से ऐड करके सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट करके रख दे तब पूछ सकते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकेले का लेके मैग्नेटिक मोमेंट अकेले की लेके पूछ सकते हैं आपसे मैग्नेट की। अब बात ये आती है एक्चुअल में टाइम पीरियड आता कहां से है, फाइनल बस यही इसके बाद कुछ नहीं है भाई, थोड़ा समझने के लिए बता दूं आपको, ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर, ठीक है, कंसेप्ट आता जाता है ना तसल्ली मिल जाती है, करना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको वैसे याद है ना, जैसे सीधी बात है क्या भाई T = 2π अंडर द रूट आई / MB, ये आना चाहिए, अब मैं आपको जल्दी ड्राइवर कह देता हूं भाई, ठीक है, मैंने बोला ये आप मेरी मैप नहीं, क्या है मैग्नेट है,
इसको मैंने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखा तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया मैंने बीएच या बी, उससे एंगल बना रही है थीटा, कितना एंगल बना रही है थीटा, तो क्या करेगी ऑसिलेट करेगी बिल्कुल। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा मैग्नेट को, अगर बीएच की तरफ है तो ये मैग्नेट इस तरफ जाएगी, सॉरी मैग्नेट को देखते दोबारा देखिए, मैंने यहां पर एक मैग्नेट बना रखी है ऐसे, इसका साधन मान लिया दोस्तों जो भी है, यहां मैंने क्या कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया ऐसे, ये मैग्नेटिक क्या, कोई भी एलिमेंट, कोई भी इंसान, कोई भी एलिमेंट हो चाहे, कोई भी वर्किंग हो, हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है ना, तो मैं एक मैग्नेट अपने आप को उसी डायरेक्शन में आके अरेंज करेगी तब जाके स्टेबल होगी, ठीक है। अब जब एक बार आप इसको हिला देते हैं मैग्नेट की डायरेक्शन, मान लो आप इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, सेम टू सेम आपने मैग्नेट यहां रख दी, अब मैग्नेट को आपने क्या हिला दिया तो क्या होगा, हिला दिया मैग्नेट को, मैग्नेट वापस आएगी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ इसको खींचेगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इसके खुद के आगे चली जाएगी, फिर ये वापस खींचेगा आगे चल जाएगी, ऑसिलेशन होता रहेगा, बोला है कि नहीं। तो एक्चुअल में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पे क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है, क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है, घुमा रहा है उसको, टॉर्क किसके बराबर होता है, आई इंटू में, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे फोर्स मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, ऐसे ही टॉर्क इनर्शिया इंटू में क्या होता है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पर किसके बराबर होगा, एम वी साइन थीटा के, जितने एंगल से आपने ऑसिलेट करवाया, बोला है कि नहीं। अब ये वाला जो टॉर्क एक्चुअल में क्या कर रहा है, इसको वापस ला रहा है, इस मैग्नेट के ऊपर जाएगी, देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली क्या है मैग्नेट, मैग्नेट पहले ही अपनी तरफ खींचेगा, बोला है कि नहीं, फिर यहां से आगे निकल जाएगी, समझ पा रहे हो, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने इस मैग्नेट को पहले रख रखा था, बाद में मैंने यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, तो अब इसको वापस खींचेगा अपनी तरफ, ड्यू इनर्शिया आगे चली जाएगी, फिर आगे से आएगी, फिर वापस अपनी तरफ खींचेगा, फिर इस तरफ चली जाएगी, उसके ऊपर रहेगा, बोला है कि नहीं। तो क्या लग रहा है यहां पे टॉर्क, और ये टॉर्क कैसा है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये जो मैग्नेटिक फील्ड से आपने हिलाई तो भी इसको वापस खींच रहा है, समझ पा रहे हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दैट्स व्हाई यहां पे साइन टॉर्क के लिए क्या आता है, माइनस, माइनस एम वी साइन थीटा, टॉर्क क्या कहलाते हैं, माइनस, ठीक है। अब यहां पे देखिए भाई, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, माइनस ओ एम वी साइन ऑफ थीटा बाई में आई, ठीक है भाई, ये माइनस पता है क्यों लगाया है, अभी बताता हूं, क्या मैं साइन थीटा, अगर देखिए अगर एंगल स्मॉल होगा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली कर लो थीटा होगा एंगल, किसके बराबर हो गया थीटा के, ठीक है। अब कंडीशन होती है SSM की, क्या जो अल्फा होती है ना वो डायरेक्टली एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, थीटा के, और वो भी अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। और जो यहां पे अब डायरेक्टली उठाएंगे तो कॉन्स्टेंट लेके आएंगे, माइनस में कॉन्स्टेंट लेके आएंगे के, जो यहां पे कॉन्स्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू आता है भाई ओमेगा स्क्वायर के, किसके, ओमेगा स्क्वायर इनटू में क्या हो गया थीटा, यानी कि जो अल्फा रोटेशनल मोशन में मैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए निकालूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर, समझ पाए, यहां से आप इसको क्या कर देते हैं कंपेयर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एम बी बाई में आई, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाई में आई, बोलो है कि नहीं, बताओ क्या करूं मैं, ओमेगा स्क्वायर रूट दूसरी तरफ, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट एम बी आई, अब ओमेगा स्क्वायर होती है टू पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट एम बी आई, टाइम पीरियड निकालनी है इस तरफ, बाकी सारी चीजें इस तरफ निकाल दो भाई, क्या होगा यही है, टू पाई टी इस तरफ चला जाएगा, आई ऊपर आ जाएगा, एम बी नीचे, तो फाइनली क्या हो गया, टी इज इक्वल टू पाई अंडर द रूट आई बाई एम बी, समझ पा रहे हो क्या करना है, फाइनली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, दोबारा से लिखता हूँ अच्छे से जो आपको याद करना है, नथिंग मच मोर, इससे ज्यादा आपको रखना है कुछ भी, बस समझने के लिए था थोड़ा सा, अदरवाइज अगर आपको ये आता है टी इज इक्वल टू पाई रूट आई बाई एम बी, तो ये आपका जो सेकंड जैकपॉट है यही है। अगर आपको मैग्नेट के ऑसिलेशन को निकालना है तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई बाई एम बी के बराबर होगा, ये आप लर्न कर लीजिए, दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस जैकपॉट, ठीक है। तो गाइस इससे पहले पहला जैकपॉट कंसेप्ट आप लोगों को बताया जा चुका है इन टर्म ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिज्म, जिसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम को दोनों का रेशियो मेन कंसेप्ट के तौर पर लिया है, ठीक है। और गाइस पहले वाले का, पहले जैकपॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तीसरे जैकपॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सेकंड जैकपॉट आपके सामने है, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपकी किसी टाइप की कोई क्यूरी हो तो कमेंट में बताइए, पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट।